ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो इसी नेकदा के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं और अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी पूरी फैमिली भी। तो आज जो है ना हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं हमारी शाम की रूटीन। तो जो हमने नया किचन बनाया है, मतलब कि आमतौर पर जो चूल्हा बनाया है, तो उसमें हमारी रोज़ डेली शाम का खाना जैसे बनाते हैं वो आज आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चैनल को भी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी किया करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। अभी जो है ना ये देखें यहाँ पे हमने बर्तन रखे हुए हैं, अभी यहाँ से लकड़ियाँ बना लेते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी हैं, इसमें से हम जो पतली सी लकड़ियाँ हैं ना सूखी, तो वही निकालेंगे। तो अभी मैं माशाल्लाह से किचन में पहुंच चुकी हूँ और सारा सामान आप लोग देख सकते हैं हमने निकाल लिया है। तो अभी अभी अब्बू और फरहान जो हैं वो गए थे तो कद्दू लेकर आए हैं, इनको अच्छे से जो है ना काट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो अभी ये देखें हमने प्याज काट रही हैं, ये कद्दू जो है वो मैंने अच्छे से इनको जो है काट के रख दिया है, टमाटर भी आया हुआ है। तो सारा मसाला अम्मी ने कहा है कि हम साथ में डालेंगे। तो आप लोग को जिसे पता है कि आग बड़ी मुश्किल से जलती है, ये देखें ये हम इसमें डालते हैं तो फिर जो है ना आग जलती है, इस वजह से फिर जल्द जल्दी बनाते हैं। तो सारा मसाला इकट्ठा डालते जानवर ये देखें। टमाटर भी काफ़ी बड़ा है, चलें फिर आधा डाल दें कि फिर ज़्यादा सालन जो है ना वो खट्टा हो जाता है। अभी अपनी भी चार पाई तो अब जो है ना रात को हम पंखे के नीचे जो ईटे रखते हैं ना वो यहीं से साथ में ही इधर रख देते हैं सेट करके और पंखे चला लेते हैं, उधर से नहीं उठानी पड़ती क्योंकि इधर ईटे जमा हुई पड़े ना, तो इस वजह से। और आज जो है ना वो मिस्त्री नहीं आया था, दोनों मिस्त्री नहीं आए क्योंकि ईंटें जो है ना वो इकट्ठी नहीं हुई पड़ी थी और दूसरा उनको ऊपर पानी वगैरह मतलब के जो तराई होती है वो भी नहीं हुई थी, तो इस वजह से मजदूर आया था तो वो 12 बजे तक उसने ईंटें भी सारी इकट्ठी कर ली है और इनके अच्छे तरीके से तराई भी कर ली है। तो फिर कल आएंगे
दोनों मिस्त्री और फिर कल से बनाएंगे। तो मौसम भी साफ है, शुक्र है, तो बारिश ज़्यादा नहीं है आप सब लोग की दुआओं की वजह से। अभी चलते हैं, देखते हैं अम्मी ने खाना बनाया है कि नहीं। अभी ये देखें, ये सालन जो है अभी तैयार होने वाला है, आग भी अब फुल जलना स्टार्ट हो गई है। तो अब जो है ना, हम ये तवे पे रोटियां वैसे भी बनाते हैं सुबह को भी और शाम को भी, दिन को तो उधर बना लेते हैं चाची के घर। ये देखें, अबू जो है ना वो भैंस का दूध निकाल रहे हैं। गाय अब दूध नहीं देती, सुबह को भी अब इतना देना बंद कर दे, बस अब सुबह को भी भैंस का दूध निकालते हैं और शाम को भी। और ये जो है खट्टी जो है ना, इसको अब दूध कम पिलाते हैं क्योंकि अब ये घास खाती है। माशाल्लाह काफ़ी दूध है हमारी भैंस का, तो गाढ़ा भी बहुत होता है। तो माशाल्लाह से सालन तैयार हो गया है और शाम भी काफ़ी हो गई है। तो अभी अम्मी जो हैं रोटियां बना रही हैं, तो रोटियां लगेगी हम तवे पर। तो रोटियां वो बनने में भी, पकने में भी काफ़ी देर लग जाती है, सुबह नाश्ता जब बनाते हैं ना तब भी काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि तंदूरी पे तो आग ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो रोटी आसानी से पक जाती है, यहाँ पे फिर तवे पे तो टाइम लगता है। अभी सारन जो है ना बर्तन में डाल देते हैं, अबू और फरहान जो है वो साथ में खा लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरहान अपनी ये उठा के आओ यार, ये कद्दू के जो सारन है ना काफी रेड लग रहा है क्योंकि टमाटर काफी बड़ा था, वैसे भी हमने आधा डाला है, फिर भी ये देखें सारे वो सालन जो है ना लाल रंग का बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैसे इस टाइम जो है ना मेरे मोबाइल जो है ना उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो माह रमज़ान में जो हमने वीडियोस जो हम अपलोड करते थे ना, शाम को बनाते थे, अफ्तारी में लेट हो जाता था, तब भी अच्छा रिज़ल्ट होता था। तो मैं सोचती हूँ कि दिन को इतना कैमरे का रिज़ल्ट ख़राब होता है, लेकिन आज जब मैंने देखा है ना तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है शाम को। लेकिन हर रोज़ तो शाम को वीडियो नहीं बना सकते, तो आज भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारा मसला ये किचन का चूल्हे का है ना, इस वजह से। अभी पहली रोटी तैयार होने वाली है। तो ये जगह भी साफ है, यहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमने अच्छे तरीके से तकरीबन 2-3 दिन तो हो गए लगातार सुबह शाम सफाई कर रहे हैं। तो चारपाइयों पे भी फिर हम बैठे हैं, वहाँ पे सारा मच्छर वगैरह ऊपर से आ जाता है उड़ के, यहाँ आग जली होती है ना तो यहाँ पे नमक के मच्छर बिल्कुल नहीं होते, तो इस वजह से सुबह हम नाश्ता भी इधर बैठ के करते हैं, शाम को खाना भी। और माशाल्लाह से सालन भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत मज़े का बना हुआ है। तो अभी माशाल्लाह से खाना जो है वो हमने खा लिया है और काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो चांद भी तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। तो नया जो सफ़र का होता है ना, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं,
काफ़ी अंधेरा हो गया है, आज काफ़ी हम लेट हो गए हैं, तो शाम को अगर खाने की वीडियोस बनाए ना तो फिर लेट हो जाते हैं। वैसे इतना ज़्यादा लेट नहीं होते, लेकिन हमारा वो जगह वगैरह मकान बन रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा फिर ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज के व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, हमारी शाम की रूटीन आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करें। वीडियो के आखिर में भी मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाई के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे और सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो काफ़ी सारी ईंटें आज हमारी तकरीबन जो है ना कमरे के लिए चली गई हैं, बाकी अब रह गई हैं दीवार और किचन। तो किचन की जगह हमने इधर पहले कह रहे थे सेट करनी है, कोई दरमियान में कह रहा है जहाँ पे हम अभी खाना खा रहे हैं, कोई उधर कह रहा है, तो फिर जो है ना इधर जानवर की जगह फिर से हम बांधते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा नहीं बना सकेंगे उन दोनों जगहों में से दरमियान या उधर जहाँ हम खाना खा के अभी किचन हमारा बना हुआ है, तो कोई एक सिलेक्ट करेंगे। और आप लोगों ने भी बताना है कि कौन सी जगह अच्छी रहेगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ दोबारा। अल्लाह हाफिज़।